तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था क्यों ना हम लोग एक गेम खेले। तो गेम क्या होगा? गेम सिंपल सा होगा। हर हफ्ते मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगा और सही जवाब देने वाले से रैंडम कॉइन पिकर से एक का नाम आने वाला अगले संडे के टैग न्यूज़ में उसका नाम शाउट आउट करूंगा। तो सिंपल सा है। तो आज का सवाल क्या है? 2 अक्टूबर को क्या है? सवाल नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, लाल शास्त्री जी का भी बर्थडे है। तो 2 अक्टूबर को है IPL का मैच जो है सनराइजर्स और CSK के बीच में। आप लोग को प्रिडिक्शन करना है कौन जीतेगा। सही जो सही प्रिडिक्शन करने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट होगा। तो वीडियो को ज़्यादा पैक पैक ना किए हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं। तो पहली न्यूज़ निकल के आती है पबजी बैन ही रहेगा। अभी तक कोई इसका अनबैन होने की बात सामने नहीं आई है। तो पबजी मोबाइल पबजी कॉरपोरेशन ने तो टेंशन से अपने इंडिया में पब्लिशिंग राइट्स ले लिए हैं, फिर भी अभी तक कोई गवर्नमेंट से कोई अनबैन की खबर नहीं आई है। जियो के साथ भी बात हो रही है, पता नहीं कितने जल्दी पबजी अनबैन होगा। तो होप जल्दी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की। तो अमेजोन ने कंफर्म कर दिया है OnePlus 3 की लॉन्च की डेट टाइम। तो 7:30 बजे 14 अक्टूबर को OnePlus की वेबसाइट में ये लॉन्च होगा। तो इसकी स्पेक्स की बात करें तो ये रन करेगा एंड्रॉयड 11 पे। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो होगा स्नैपड्रैगन 865 और इसका चार्जर होगा 665 वॉट का। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। तो अगला न्यूज़ देखा गया था वीवो U20 Pro लॉन्च हुआ है एक इवेंट थाईलैंड में, जिसकी स्पेक्स की बात करें तो वीवो U20 Pro में डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आएगा और ये पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 765G के साथ आएगा। इसकी रैम की बात करें तो होगा 8GB और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले होगा। ये तो बहुत अच्छा ही है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की। तो अगला न्यूज़ निकल के आता है पोको X3 का सेल 29 सितंबर को लगेगा। इसकी स्पेक्स की बात करें तो ये होगा, ये आएगा स्नैपड्रैगन 732G के साथ और इसका बैटरी की बात करें तो 6000 बहुत ही बड़ा बैटरी है 6000 mAh। इसकी रैम की बात करें तो 6GB और रोम होगा 64GB। इसकी प्राइस लगभग 17,000 के आसपास होगा और इसका दो वेरियंट होगा। एक का प्राइस होगा 19,000 के आसपास जिसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज होगा। तो देखते हैं। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में मैंने बताया था सोनी ने एक नया हेडफोन लॉन्च किया है जिसका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास था। तो इस हफ्ते भी पैनासोनिक ने कुछ 5 नए हेडफोन लॉन्च किए हैं जिसका प्राइस लगभग स्टार्ट होगा 900 रुपया से। तो पहला जिसका प्राइस 900 रुपया है वो वाइड हेडफोन होगा जिसका मॉडल नाम है TCM55। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगला न्यूज़ निकल के आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी अगले महीने एक नया फ़ोन लॉन्च करेगा जो रन करेगा रियलमी UI 2.0। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें सपोर्ट करेगा डुअल मोड, म्यूजिक शेयर और डार्क मोड। तो देखते हैं अगले महीने। अगले महीने ही ओप्पो का स्मार्ट TV भी लॉन्च हो सकता है जो आएगा 55 इंच और 65 इंच के मॉडल में। तो देखते हैं। टेक्नो स्पार्क सिक्स रिलीज हो गया है जो बाहर में हुआ है, जिसका जो आता है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर के साथ क्वाड कोर कैमरा सेटअप और 4GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस लगभग 10,000 के आसपास होगा। ये अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द ही होगा। तो देखते हैं। तो आखिरी में इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वो है VI Vodafone एंड Idea ने अपने कुछ प्लान्स में G5 का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया गया है, इंक्लूड कर दिया है। तो आप अगर कौन सा प्लान जानना चाहते हैं मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे से चला नहीं पड़े इसके लिए, सॉरी। और भी नहीं, IPL भी चल रहा था तो मैं ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहा था इसके ऊपर। तो जरूर बताएगा क्या क्या गलती हो रही है, क्या कुछ नहीं बता रहा, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते की टेक्निक्स में, और भी वीडियो आते रहेंगे।